ये लड़की 24 घंटे बाहर ही जाने के बस सपने देखती रहती। मैंने दिवाली में इतनी मेहनत करके बनाया था, 4 घंटे बैठ के मैंने सोचा था बढ़िया। भाई नमस्ते, खुश रहो। तो उसी में तो ये भी क्लीन हो जाएगा। वो वहाँ पे सारी गायें जा रही हैं ये दिन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कुत्ते लड़ रहे हैं बाहर, कल रात से ये लड़ाई ना दिमाग खराब कर रखा है। इनकी वजह से टाइसन में खूब भौंक रहा है। और एक ये मैडम है, इनको जाना है बाहर। बाहर कुत्ते चेरी, बाहर कुत्ते चेरी तुमको काट लेंगे। तुम बहुत सीधी लड़की हो, तुमको कद्दू कर लेंगे सारे, नहीं मानोगी। बाहर जाना है। अले लोम, चलो 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 फिर चलो 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 जल्दी चलो 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 अरे चलो 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 भाई चलो चलो। कुत्ते है बाहर, काट लेंगे तुमको। ये लो जाओ जाओ, आपका जाना। अब गेट खुल जाएगा तब नहीं जाना। अरे अरे डरपोक लड़की, आ चलो हम भी चल रहे। गाय भी खड़ी है यहाँ। और सुबह सुबह गेट खोलते ही गाय माता के दर्शन हो जाते हैं। एक कुत्ता वहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी चेहरी को देखो मैं। ए कितनी डरपोक है, नहीं जाएगी वहाँ। जाओ ना जाओ, क्या हो गया? भगा दूँ मैं, ये भगा दूँ गाय को, भगा दूँ तब जाओगी? गाय को भगा दूँ फिर जाओगी? अच्छा चलो जाओ जाओ, हटो भगो, हुड़ 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 हुड़। वो नहीं जाती, वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं क्या करूं? जाओ आओ अब भागा, वो नहीं मारेगी तुमको। एक डॉगी यहाँ पे खा रहा है खाना, और इसकी भूरी भूरी आँखें। सूरज निकल आया लेकिन अभी धूप बिल्कुल वो नहीं है, धुंध जैसी है हल्की हल्की सी, और बिल्कुल धूप का कोई असर नहीं है। मैंने बच्चों के स्कूल के लिए लंच तैयार कर रही हूँ, और उस पर मतलब बना दिया है मैंने, सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी पका, तुमको नहीं जाना है भाई, तो हम गेट कर रहे हैं बंद। टाइजन हमारा अलग भाव के बड़ा है, चलो हटो। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है, सब्जी आज बना रही हूँ मैं भिंडी। बेटा मैं गिर जाऊंगी किसी दिन, तुम्हारे चक्कर पैर है मेरे टूट जाएंगे। तो ये चढ़ी हुई है सब्जी, अब मैं जा रही हूँ एक तरफ पराठा बनाने। उनको पराठा वगैरह बना के उनका टिफिन वगैरह मैं पैक कर दूँ, पानी की बोतल भर दूँ। उसके बाद अभी मैंने टीथ ब्रश नहीं किया, तो मैं टीथ ब्रश करूँगी फिर। स्कूल जाना था तो मैं उसको बोल रही थी कि मतलब मुंह में क्रीम लगा लो, बालों में तेल लगा लो, बट वो चिल्लाते रहो कुछ लगाता गता नहीं, ऐसे चला जाता है। तो ये मैं उसके क्रीम लगा रही थी, वो बोल रहा था मुझे आर्ट की कॉपी लेके जाना है, बड़ी वाली अपनी स्केचिंग वाली कॉपी। तो वो उसी के लिए मैं उसको डांट रही थी कि पढ़ने जाते हो तो पढ़ने जाओ, फालतू के काम करने मत जाओ। बाय, नमस्ते, खुश रहो। आ गए बच्चे, बच्चे जा रहे हैं अब स्कूल और मैं लगूंगी अपने काम में। चेरी चली आती है, उनका रिक्शा रोज सूंघा करती है। सो मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं खत्म, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और कल मैंने स्टोर जो है ना साफ किया है रात में 9 बजे तक, अभी भी वो फैला हुआ। वो पूजा के सारे कपड़े हैं ना जो निकलते हैं, उनको धो धो के रखती जाती हूँ, तो इनको सारे फोल्ड करके मंदिर में रखना है मुझे। और ये जो दिख रहा है, मैंने दिवाली में इतनी मेहनत करके बनाया था, 4 घंटे बैठ के मैंने सोचा था बढ़िया, वो रंगोली जैसा होता ना वैसे लक रख के इसमें कैंडल वाली जला करके, टी लाइट वाली जो होती है, और दूध वाला आ गया। तो
बढ़िया सा फोटो खींचूंगी ये वो, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे घर में कुछ हो ही नहीं पाता है। सो ये कपड़े जो है निकले हैं सूटकेस से सारे, तो ये देने के लिए हैं, मतलब जो छोटे हो गए बच्चे नहीं अब होते बच्चे नहीं पहन पाते, तो वो सब ये तीन उसमें जो है ना ये सब देने के लिए हैं। सो मैं निकाल लेती, पहले मैं दूध ले देती हूँ, दूध वाले भैया आ गए हैं, दूध लेकर चढ़ा देती हूँ और मैं नहा भी लूँगी। तब जब तक दूध पकेगा तब तक मैं नहा लूँगी फटाफट से। सो सारे काम हो जाएंगे, पूजा करना है बस। सो मुझे याद आ गया कि मुझे अपना ये जो है ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है, तो इसको क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, वरना उसी गंदे को यूज़ करते रहो फेस पे ना, तो फिर और ज़्यादा मतलब दाने वगैरह होने लगते हैं। और ये भी इसको भी क्लीन करना, ये भी काफ़ी गंदा हो गया। ये इतना अच्छा है ना, क्या लग गया है इसमें, कि इसको ना आप मेकअप ऐसे ही मतलब अपना फेस जो, इसको जो है ना पानी में डुबो के ऐसे स्क्वीज़ कर दो और फिर इसको आप क्या करो मेकअप रिमूव करो, इतने अच्छे से रिमूव कर देता है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट इसको क्लीन करना बहुत वो, क्योंकि इसमें ये जो कलर लग जाते हैं ना ये फर में, ये छूटता नहीं है कलर, बड़ी मुश्किल से छूटता है। यहाँ पे देखो ये येलो और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन लग गया था ना, निकल नहीं रहा था, अभी देखते हैं पिंक हटता है कि नहीं हटता है। तो खैर पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ ऐसे ऐसे करके इसको। पानी भी गर्म है, मैंने पता है पानी को चढ़ा दिया, उसमें शैम्पू डाल दिया, और नहीं हो तो शावर जेल जो होता है वो डालो, और बस इसे ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे करके आप साफ कर दो, अच्छे से क्लीन हो जाता है पूरा। इसको भी डाल देती हूँ इसी में, तो ये भी क्लीन हो जाएगा। तो ये हो चुका है क्लीन, काफ़ी क्लीन हो गया है। अभी इसमें ये जो कलर लग जाता है ना ये नहीं निकलता, बाकी तो सब निकल जाता है। ये भी देखो लिपस्टिक है ये इसमें लगी हुई है, पर साफ हो गया है पूरा अच्छे से एकदम। ये अर्थ रिदम का है, काफ़ी अच्छा है और आई थिंक सस्ता भी था काफ़ी। और ये मेरा ब्लेंडर जो है ये भी देखो एकदम क्लीन हो गया, इतना गंदा था एकदम साफ हो गया। तब इसको रख देते ऐसे ही सूखने के लिए, ये ड्राई हो जाएंगे, ऐसे ही गीले नहीं भर के रख देंगे, नहीं तो इनमें और फंगस लग जाएगी फिर। तो इसको रखते हैं साइड में और नहाने चलते हैं। तो मैं निकाल रही थी दिवाली की लाइट्स जो लगाई थी हमने ऊपर की, मैंने निकाल दी थी जाके। अब यहाँ ये बीच वाले जो बालकनी है ना इसकी मैं निकाल रही थी सारे को ना, हम लोगों ने वो टेप से चिपका के रखा हुआ था, जो आता ना वो तार आर में लगाने वाला, उससे लगा के रखा था पूरा, तो उसी से पूरा एक एक निकाल के हटाना था। और सारी मैंने, क्योंकि नीचे भी हमने ग्रिल में फंसा रखी थी, तो मैं नीचे डालती जा रही थी कि नीचे जाके निकाल लूँगी। ये लड़की 24 घंटे बाहर ही जाने के बस सपने देखती रहती है कि इसको बाहर खोल दिया जाए, दिन भर घूमती रहे, घर के अंदर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैडम को हमारी। पिछले एक घंटे से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है सीढ़ी पे क्योंकि पता नहीं क्या यहाँ पे बैठो थोड़ी देर एकदम मतलब शांति तो नहीं रहती है, क्योंकि रोड से ना पूरा वो सब गाड़ी वाड़ी निकलती रहती है, इतना हॉर्न वॉर्न, पर पता नहीं क्या यहाँ पे बैठना मुझे अच्छा लगता है एकदम, थोड़ी देर बैठ के एकदम शांति से बैठे रहो। तो मैं एक घंटे से यहीं पे बैठी हुई हूँ और अभी मुझे बनाना है खाना। खाना खैर मैंने सुबह सब्जी बनाई थी ज़्यादा, तो बच्चे वही खाएंगे और मैं अपने लिए सिर्फ लौकी की सब्जी बना लूँगी, और लौकी की सब्जी और रोटी खा लूँगी। और अब मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, दवा भी खानी है, सुबह नाश्ता किया था और दवा खा ली थी। सो अभी जा रही हूँ मैं फटाफट से लौकी कट करके बना लेती हूँ सब्जी और रोटी, और खाकर दवा खा लेती हूँ मैं, क्योंकि 2 बजने वाला है, तो फिर नहीं तो दवा को मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सो अब जा रही हूँ किचन में, अपने बहुत देर रेस्ट कर लिया मैंने। वो वहाँ पे सारी गायें जा रही हैं, ये दिन में इधर आ जाती हैं मोहल्ले में, और फिर रात में सारी वहाँ चली जाती है, पीछे जो जंगल दिख रहा है वहाँ चली जाती हैं और वहीं पे रात भर रहती हैं, फिर सुबह जैसे होती है ना वैसे फिर सारी आ जाती हैं। ये आदमी भगा रहा है उनको शायद, पता नहीं इधर उधर, उन्हीं की मुझे लगता है घर है, वो घर के सामने जाती होंगी ना, ये गोबर करके आ जाती है इसलिए। और मैं आ गई हूँ ऊपर,
यहाँ पे सब डाल रखे हैं, फेंक रखे हैं। तो मैं ऊपर आ गई हूँ और सूरज डूब गया, दिख ही नहीं रहा। ये दिख रहा है पीछे पूरा एकदम लाल लाल दिख रहा है, बाकी सूरज डूब चुका है। तो उठाती हूँ मैं कपड़े अपने सारे। तो दोस्तों अब हो गई है रात और हम जा रहे हैं सोने। नींद आ रही है बहुत तेज, सुबह की उठी हुई हूँ और दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेटी थी, छींक आ रही है मुझे। ओके छींक आके जा चुकी है। सो हम जा रहे हैं सोने और भैया ड्राइंग कर रहा है, मैं उसे बोल रही हूँ रख दो सोने रहा है, अभी इसको मैं चिल्लाऊंगी, फिर छींक आ रही है यानी। तो हम लोग जा रहे हैं सोने और व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।